शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम आगे के शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे। महादेव की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 10वें, 11वें और 12वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए पाठ हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। 10वां अध्याय। इस अध्याय में श्री हरि को सृष्टि का भार, भोग और मोक्ष का अधिकार देने के विषय में बतलाया गया है। भगवान शिव विष्णु को आगे कहते हैं, जब भी ब्रह्मा द्वारा निर्मित संसार पर दुख विपत्ति आए, तब तुम विपत्ति नाश के लिए सदैव तत्पर रहना। तुम सभी लोकों में सदैव पूजनीय रहोगे। हर कठिन परिस्थिति में मैं सदैव तुम्हारी सहायता करूँगा। अपनी महिमा का विस्तार करो और सांसारिक प्राणियों का उद्धार करो। मैं रुद्र का रूप धारण करके सदैव सांसारिक उन कार्यों को करूँगा जो आपसे संभव न हो। आप में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, वरन यदि कोई रुद्र भक्त आपकी निंदा करेगा तब उसके पुण्य शीघ्रता के साथ नष्ट हो जाएंगे। आपकी पूजा से समस्त भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहने के पश्चात भगवान शिव ने ब्रह्मा का हाथ विष्णु को पकड़ाते हुए कहा, संकट में सदैव आप विष्णु की सहायता करें। सदा के लिए सभी इच्छित सिद्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धिकर्ता बनो और कल्याण करो। संकट के समय मेरे स्वरूप रुद्र का ध्यान करो। हम दोनों एक ही हैं, इसलिए जो आपकी शरण में आया है वह मेरे भी भक्त हैं। हम दोनों में भिन्नता का भाव रखने वाला नरकगामी है। अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आयु का वर्णन सुनो। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि होती है। ठीक ऐसे ही 30 दिन और रात मिलाकर के एक मास और 12 मास मिलाकर के एक वर्ष होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। इसी क्रम में विष्णु की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु का एक वर्ष शिव का एक दिन होता है और 100 वर्ष के पश्चात रुद्र परम पुरुष का रूप धारण करते हैं। सदाशिव अपने श्वास को रोके रखते हैं और जब छोड़ते हैं तब शक्ति में लीन हो जाते हैं। आगे शिव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, हर, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि सभी प्राणियों के 21,600 श्वासों का एक दिन एवं एक रात्रि का काल होता है। 6 श्वास का एक पल, 60 पल का एक घटी, 60 घटियों का एक संपूर्ण दिन और रात होता है। चूँकि सदाशिव के श्वासों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वो अविनाशी हैं। शिव ने उन्हें सृष्टि के सृजन का पूर्ण कार्य का भार संभालने का दायित्व सौंप दिया। तब विष्णु सप्रेम और स्नेहिल वचन में कहने लगे, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी आज्ञा हमारे सिरोधर्य है। मैं आपकी सर्वशक्तिमत्ता से पूर्व ही अवगत हो चुका हूँ, अतः आपके ध्यान के सिवा अन्य कोई कार्य का आरंभ नहीं करूँगा। आपके कारण मेरा मान और अधिक बढ़ चुका है। आपके ध्यान से एक क्षण भी मेरा मन विचलित ना हो। हे प्रभु, यदि मुझ में कोई अवगुण आ भी जाए तो आप उसे क्षमा कर देना। भगवान विष्णु के मुख से यह सुनकर के शिव ने क्षमा करते हुए तथा हमें थामते हुए अनेक प्रकार के कल्याण एवं मंगलकारी कार्य हेतु वरदान प्रदान किए तथा अंतर्ध्यान हो गए। तब से लेकर आज तक लिंग पूजा प्रतिष्ठा से शिव कृपा भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवलिंग की वेदी शक्ति स्वरूपा महादेवी और लिंग महादेव है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। जो मनुष्य शिवलिंग के समक्ष बैठ करके इस परम पवित्र कल्याणकारी कथा का वाचन
श्रवण या गुण गाता है वह 6 मास में ही शिव रूप में विलीन हो जाता है। इससे मिलने वाले पुण्य प्रताप को मैं भी बता पाने में असमर्थ हूँ। 11वां अध्याय। इस अध्याय में शिव पूजन की विधि एवं उसके फल के बारे में जानेंगे। बोलो महादेव जी की जय। जय शिव शंभु। सभी ऋषियों ने सूत जी को नमस्कार करके कहा, हे सूत जी, आपके श्रीमुख से शिव कथा के दिव्य लिंग की उत्पत्ति तथा गुणों को सुना है, जो सुनने मात्र से ही दुख और शोक का नाश करने वाला है। हे कृपा निधि, कृपया कर अब हमें शिव पूजा की वह पवित्र और पुण्य विधि बतलाइए जो नारद और ब्रह्मा वार्तालाप से उजागर हुई। चारों वर्णों को शिव भक्ति के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? तब सूत जी ने वेदों के अनुसार शिव पूजा के बारे में विस्तार से वर्णन आरंभ किया। उन्होंने ऋषियों को पूर्व काल की वह बात बतलाई जो सनत कुमार ने बतलाई थी। यह बात कृष्ण द्वापर की है। तब कृष्ण ने उपमन्यु के मुख से जो सुना वही बात मैं बतला रहा हूँ। वैसे तो अनंत काल तक भी इसका विस्तार नहीं हो सकता, यह असंभव है। दरिद्रता, बीमारी, शत्रुओं के कष्ट, 4 प्रकार के कष्ट तभी होते हैं जब तक मनुष्य शिव की भक्ति नहीं करता है। शिव पूजा से दुख, शोक, दुर्भाग्य सभी शिव में ही विलीन होकर सभी सिद्धि प्राप्त देने वाले होते हैं। शिव पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने गुरु तथा शिव का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात पवित्र स्थल, नदियों का स्मरण करके, श्री हरि का ध्यान करके, मेरे स्वरूप का, अन्य देवता और ऋषि धन का ध्यान करें। उसके बाद मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा में एकांत स्थान का चुनाव करें। ब्राह्मण के 5, क्षत्रियो को 4, वैश्य को 3 और शूद्र को 2 बार मिट्टी के प्रयोग से मलाशय तथा लिंग को साफ करें। बाएं हाथ को 10 बार, दोनों पैरों को 7 बार धोकर पुनः दोनों हाथों की शुद्धि के लिए 3 बार धोएं। दांत साफ करने के लिए ब्राह्मण को 12 अंगुल लंबा, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल लंबी टहनी या पौधे की शाखा का इस्तेमाल करना चाहिए। षष्ठी, नवमी, अमावस्या, रविवार, श्राद्ध, ग्रहण तथा पूजा के अन्य दिनों में दांत टहनी से साफ न करें। स्नान मंत्र उच्चारण के साथ करें, फिर आचमन करके वस्त्र धारण करके दोनों ही समय संध्या वंदन के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें। मन को एकाग्रचित रख करके पूजन की क्रिया को आरंभ करें। आसन पर बैठ करके शिव पूजन करें, फिर गणेश मंदिर द्वार के सेवक, रक्षक आदि की पूजा करके आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। अष्टदल कमल पर शिव को विराज कर 3 बार आचमन और 3 बार प्राणायाम करें। इसके पश्चात भगवान शिव के रूप का ध्यान करें। अंगों की शुद्धि करके मूल मंत्र के द्वारा न्यास तथा प्रणव सहित 6 अंगों का पवित्रकरण करें। बुद्धिमान भक्त दर्भ से शीतल जल का छिड़काव करके ओमकार के द्वारा पूजन आरंभ करें। 9 पात्रों में चंदन, जटा, कंकोला, कर्पूर, वटजर, तमालक अर्पण करें। शिव तथा नंदी की पूजा विधि भांति भांति से करके उन्हें नमस्कार करें। इसी प्रकार रुद्रदेव की पूजा भी संपन्न कर लें। विभिन्न मंत्रों और घी, शहद, दूध तथा अन्य सामग्रियों द्वारा अभिषेक करके अखंड चावल, चंदन, पुष्प, अपमार्ग, कपूर, जटी, चंपक इत्यादि पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने से विविध प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। सुगंधित लौंग और पुष्पांजलि अर्पण करके शिवलिंग पूजा संपन्न करें। शिवलिंग की पूजा करके ध्यान और लग्न करके घुटने टेक करके प्रणाम करें। हाथों में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी पूजा सार्थक हो, यह कह करके फूल शिवलिंग पर अर्पण करके वंदना और क्षमा प्रार्थना करके आचमन कर लें।
जो भक्त परिवारजनों के साथ इस प्रकार से शिव पूजा करता है, महादेव सदैव उन भक्तों पर छत्र छाया रखते हैं। ऐसी पूजा से पुण्य वैसे ही बढ़ता है जैसे चंद्रमा। ब्रह्मा जी नारद ऋषि को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं, हे नारद, आपके कथन पर मैंने शिव पूजा की विधि बतला दी है, अब आप क्या जानना या सुनना चाहते हैं? 12वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे शिव पूजा की श्रेष्ठता तथा पूजन के अनिवार्य आवश्यकता। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंकर। पिता ब्रह्मा के वचन पर नारद ने और अधिक विस्तृत तथा स्पष्ट रूप से शिव महिमा को बतलाने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व काल की बात बतलाते हुए कहा, एक बार अस्थाई सुख की इच्छा से सभी ऋषिगण और देवता ब्रह्मा के कहे अनुसार विष्णु धाम गए। सभी ने विष्णु की स्तुति की। तब प्रसन्न चित्त और कमल नयन भगवान विष्णु ने शिव का ध्यान करके सभी से यहाँ आने का प्रयोजन पूछा। इस पर देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे जनार्दन, दुख निवारण हेतु हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से? तब भगवान विष्णु ने हमें संबोधित करते हुए कहा, यद्यपि आप सभी यह जानते हो, फिर भी मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी मैं इस बात का उत्तर दूंगा। शिव पूजा से सभी का कल्याण होता है, फिर वह देव हो या फिर मनुष्य। इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए उन्होंने तारा पुत्र के बारे में बतलाया, जो शिव पूजा से रहित तो होने पर सगे संबंधियों सहित नष्ट हो गए। शिवलिंग की पूजा से सत्पुरुष देवता और दैत्य जीवन का दान पाते हैं। शिव पूजा से रहित तो होना दुर्बलता, अंध और मूर्खता, मूढ़ता की निशानी बतलाता है। भव्य भवन हो, आभूषण, सर्वगुण संपन्न स्त्रियां, तेजस्वी स्वस्थ शरीर, पद, प्रतिष्ठा तथा अन्य सभी सुखों की पूर्ति के लिए सबसे सरल और उत्तम मार्ग है शिव भक्ति। लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए विष्णु ने विश्वकर्मा को शुभ लिंग के निर्माण की बात कही। विष्णु के आदेश पर विश्वकर्मा ने लिंग का निर्माण किया। सभी देवों को उनके अनुरूप लिंग प्रदान किया गया। इंद्र को माणिक्य, विश्वस्रवा पुत्र कुबेर को सोने, धर्म को पीले पत्थर, वरुण को नीले रंग, विश्वेश्वर देवों और वसुओं को चांदी, अश्वनी को पीतल मिट्टी, लक्ष्मी को स्फटिक, आदित्य को तांबे, चंद्रमा को मोती, ब्राह्मणों को मिट्टी, माया ने चंदन, शेष नाग ने मूंगा, देवियों ने मक्खन, योगियों ने भस्म, यक्ष ने दही, छाया देवी ने आटे और मैं अर्थात ब्रह्मा ने सोने के लिंग को लिया। बाण तथा अन्य सभी के लिए बाण या पोड़ के लिंग की पूजा का विधान बतलाया गया है। लिंग प्राप्त करके सभी अपने धाम प्रस्थान कर गए। फिर मैंने भी अपने स्थल पर पहुँच करके शिव पूजा की उत्कृष्ट विधि बतलाई, जो सांसारिक सुख एवं भोग मोक्ष देने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति और सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा। तपोयज्ञ से श्रेष्ठ कर्मयज्ञ, कर्मयज्ञ से श्रेष्ठ जपयज्ञ, जपयज्ञ से श्रेष्ठ तपयज्ञ माना गया है। हे ब्राह्मण, लिंग दो प्रकार के हैं, बाह्य अर्थात स्थूल एवं आंतरिक अर्थात सूक्ष्म लिंग। सूक्ष्म लिंग को वश में ना कर पाने पर बाह्य लिंग की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्ति को कर्मों से उसी प्रकार नहीं बांधा जा सकता जैसे कीचड़ में स्थित कमल कीचड़ या जल से। भगवान से भी सच्ची आस्था आंतरिक तौर पर होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए प्रतिमाएं भला किस काम की? मूर्ति पूजा वह सीढ़ी है जो लक्ष्य तक पहुंचने का सरल माध्यम है। जब तक सच्चा भाव और ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक मूर्ति पूजा करें। भक्तिपूर्वक पूजा करने से पाप दूर रहता है। देवताओं की पूजा से मन शरीर वाणी पर पड़ा मैल उसी प्रकार झड़ जाता है जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता।
पूर्ण ज्ञान से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो सभी भेद भाव दुख संताप शत्रुता को नष्ट कर देती है। गृहस्थ जीवन ना जीने वाले पुरुष की प्रशंसा देवता ऋषिगण और शिव भी करते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही पवित्रता की प्राप्ति होती है। शिव पूजा वृक्ष के जड़ के समान है। इनकी पूजा करने से शाखाएं पत्तियां हरी भरी हो जाती है, अर्थात शिव पूजा से सभी देवी और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कल्याणकर्ता भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वही भोग मोक्ष और सर्व शांति प्रदान करते हैं। आज कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं, कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो भगवान शिव की जय। जय शिव शंकर, जय पार्वती माँ।